रिपीट करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण कोड पढ़े थे अपन ने, घड़ी के तीन याद है सभी को। पहला कोड 0 या 360, दूसरा 180, तीसरा 90 डिग्री या 270 डिग्री। अब इस कंडीशन के अनुसार आपसे मैं पूछूंगा कि भैया 0 डिग्री और 360 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। और 12 घंटे में एक कम होती है गणना, वो कहां से कहां के बीच होती है? 11 से 1। और एक दिन में ये घटना कितनी बार होती है? 22 बार। इसी प्रकार 180 डिग्री कोण के लिए पूछा जाए तो एक घंटे में 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, और ये गणना कहां से कहां के बीच कब होती है? 5 से 7। और इसी प्रकार अगर अपन आगे बढ़े तो तीसरा महत्वपूर्ण कोण कितना डिग्री आता है? 90 डिग्री तथा 270। दोनों एक साथ ही बनेंगे तो बताओ एक घंटे में कितनी बार? 2 बार। और 12 घंटे में 22 बार। कितना कम हुआ? 2 बार कम हो गए। कहां से कहां के बीच? 2 से 4, 8 से 10। वेरी गुड। एक दिन में कितनी बार? 44 बार। आज अपन इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि यह कोण जो बने इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपने कल जो टेबल अपन ने बना रखी थी, बनाई थी ना, उसको नीचे हल्का हल्का कंटिन्यू करते हुए पहले आप लिखे 0 डिग्री या 360 डिग्री वाले कॉलम में नीचे क्या लिखेंगे? कोण बनने की स्थितियां। कोण बनने की स्थितियां, छोटा सा कोण लगाओ और उसमें क्या लिखेंगे? एक नंबर पर देखिए, कोण बनने की स्थितियां क्या होती है कि आपको क्वेश्चन में किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपको ये कतई नहीं कहेगा कि भैया 5 से 6 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 9 से 10 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, डायरेक्ट कतई नहीं कहेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, वो हिंट क्या होगा उसके अपन यहाँ पे गणना करते हैं। सबसे पहला लिखा चूया क्या हो एक दूसरे के ऊपर, अरे दोनों सुइया क्या हो एक दूसरे के ऊपर, दोनों सुइया एक दूसरे के ऊपर होगी तो कौन कितना डिग्री बनेगा? भाई रास्ते में मत बैठे, रास्ते में लड़के आएंगे। क्या है कौन कौन सी आगे करने है जिसमें कौन 0 डिग्री बन जाएगा? तो पहला पॉइंट क्या आता है? दोनों सुइया एक दूसरे के ऊपर। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दोनों सुइया एक ही दिशा में, क्या लिखा अपन ने? एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में होंगी तो दोनों सुइया एक ही जगह होंगी कि नहीं होंगी? तो भी कोण कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री। तीसरा पॉइंट लिखा संपाती स्थिति में, कौन सी स्थिति में? संपाती स्थिति। संपाती नाम जानते हो किसे कहते हैं? अरे जानते हो क्या? नहीं, नाम सुना सुना लग रहा है लेकिन अर्थ नहीं जानते। देखिए ये नाम जो आपने कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ा होगा, पीछे ले जा, समानांतर रेखाएं सुना है क्या? समानांतर किसको कहते हैं? समान अंतर से या समान जो बीच में गैप जो होता है दोनों के बीच, अंतर का मतलब दो रेखाओं के बीच का जो गैप होता है वो क्या चलता रहे? समान चलता रहे, यानी समान अंतर से चलने वाली दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को न काटती हो, वो कौन सी रेखाएं होती है? अब देखिए संपाती क्या होती है, ये दो रेखाएं हैं दोनों समान अंतर से जा रही है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर अपन रखते एक रेखा को दूसरी रेखा पे रखते हैं, यानी कि दो रेखाएं एक ही अनुपात से गुजर रही हो, एक ही बिंदुओं से गुजर रही हो,
उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं? संपात की रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? अपन के संपात की स्थिति किसकी है? रेखाओं की या घड़ी की सुइयों की? अरे किसकी है? मतलब दोनों सुइयां एक ही बिंदु पर हो तो वो अस्थिति दोनों सुइयों की कौन सी कहलाएगी? आवाज नहीं आई? संपात की स्थिति। एक उसके बाद आता है चौथा पॉइंट जिसे कहते हैं अति व्यापन। अति व्यापन या आच्छादन की स्थिति। अरे अति व्यापन या आच्छादन की स्थिति। अति व्यापन जानते हो? इंग्लिश में जिसे कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? कभी सुना है ऐसा नाम? इसका अर्थ क्या है? देखिए यहाँ मान लो ये आपकी कोई गाड़ी है, जनरल सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये कोई गाड़ी है आपकी, इससे आपसे आगे आगे ये कोई गाड़ी चल रही है और आपसे ये आगे चल रही है, आपके दिमाग में आया कि अपन इससे क्या करें? आगे निकल जाए। क्या करें? और आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और आगे निकल गए, तो ये स्थिति क्या होती है? ओवरटेक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओवरटेक कहते हैं, यानी किसी को क्रॉस करके आगे निकल जाता। क्या कहलाता है? ओवरटेक। ऐसा ही यहाँ पे बताओ, मिनट वाली सुई करती है कि नहीं करती? अरे घंटे वाली सुई से स्पीड ज्यादा होती है क्या? चलेगी? आया ना? तो वो पीछे से भाग के आती है और घंटे वाली सुई से आगे निकल जाती है, वो तो क्या हो गया? उस सुई का ओवरटेक। क्या हो गया? ओवरटेक। लेकिन एक स्थिति ये बताओ, आपकी गाड़ी इस बी गाड़ी से आगे निकली, तो एक स्थिति तो आपकी ऐसी आई होगी कि आपकी गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी दोनों एक दूसरे के बराबर आई होगी। अरे बोलो, आई क्या बराबर? बराबर आने के बाद ही तो आप उससे क्या निकले हैं? आगे। तो आगे निकलते तो क्या हो गया? तो दोनों की एक समान स्थिति की जो पोजीशन है उसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? तो बताओ समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? दोनों सुई, कौन सी सुई भाग के आएगी? मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई के एकदम बराबर आते ही वो स्थिति क्या कहते हैं? अति व्यापन की स्थिति। कोई दिक्कत? ये चार पॉइंट अपन को याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे ढंग से। कौन कौन से? दोनों सुइयां एक दूसरे के, बोलो, दोनों सुइयां एक ही, दोनों सुइयों के बीच संपात की स्थिति और एक दोनों के मध्य अति व्यापन या आच्छादन। आच्छादन को कहते हैं दूसरे को काटने की सेम पॉइंट। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसके साथ दूसरा जो आपको कोण लिखवाया था, कौन सा लिखवाया था? 180 डिग्री में कोण बनने की स्थितियां क्या क्या होती हैं? देखो, देखिए 180 डिग्री का कोण की स्थितियां क्या कहती हैं? सुइयां कौन सी स्थिति में हो, कहां पर हो, कैसी पोजीशन हो कि दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन जाए? मित्रों 180। चलो चेक करें, रेडियो क्या होना चाहिए 180 डिग्री के लिए? मतलब ये है कि सीधा सीधा कि एक सुई का मुंह ऊपर की ओर हो तो दूसरी का नीचे, तभी तो 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना? मतलब एक तो 12 पे हो, दूसरी 6 पे हो, ऐसी स्थिति हो तो ही कितना डिग्री बनेगा? 180। तो उस स्थितियों को क्या कहते हैं? जैसे इसमें 0 डिग्री में क्या था? दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। क्या थी? दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। क्या होगा दोस्तों? एक दूसरे के विपरीत।
अगर आपको प्रश्न में कहा 9 से 10 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो एक दूसरे के विपरीत का नाम सुनते दिमाग में झट अपने आ जाना चाहिए कि कौन कितना डिग्री पूछना चाहता है। 180 डिग्री। आगे बढ़े नंबर दो, इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक सरल रेखा, कौन सी रेखा दोस्तों, सरल रेखा, या फिर इसे कहें अपन सीधी रेखा, कौन सी रेखा, सीधी रेखा। आगे मैं ब्रैकेट में एक नाम लिख रहा हूँ जिसको अपन को ध्यान से देखना है, परंतु संपाती न हो, क्या लिखा दोस्तों, एक सरल रेखा में हो, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन में हो, लेकिन संपाति नहीं होनी चाहिए। संपाति हुई तो कैसे हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर, और संपाति नहीं हुई तो एक दूसरे के विपरीत, बैठी बात दिमाग में। और तीसरा पॉइंट आता है सरल कोण की स्थिति, कौन सी स्थिति दोस्तों, सरल कोण की स्थिति, सरल कोण की वैल्यू ही कितनी होती है, 180 डिग्री, कितनी होती है 180, कोई दिक्कत, ये तीन पॉइंट कितने के लिए हैं, 180, कौन कौन से हैं जरा याद करिएगा इनको, एक दूसरे के विपरीत, दूसरा सरल रेखा या सीधी रेखा परंतु संपाति न हो, और तीसरा पॉइंट क्या है, सरल कोण की स्थिति। तीसरा महत्वपूर्ण कोण कौन सा बताया था आपको, बोलो, 90 डिग्री या 270 डिग्री, यही पढ़ा था ना, अच्छा जी 90 डिग्री 270 डिग्री के लिए ये अपन को पता लगे कि दोनों सुइयों की स्थिति कैसे होगी, क्या होगी। तो देखिए नंबर एक क्या होता है, 90 डिग्री कोण का नाम क्या होता है, क्या कहते हैं इसे, वेरी गुड, पहला ही आता है समकोण की स्थिति, कौन सी स्थिति में हो, समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल, क्या कहते हैं, शाबाश, समकोण की स्थिति हो या राइट एंगल कंडीशन हो तो कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और दूसरा पॉइंट इसके लिए आता है कि लंबवत स्थिति में हो, कौन सी स्थिति में हो, लंबवत को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत की स्थिति में हो तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो ये जो पॉइंट आपके सामने लिखे हैं ये क्वेश्चन को दर्शाने की स्थितियां है, क्या है, क्वेश्चन को दर्शाते हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा जल्दी आया करो, समय पे थोड़ा जल्दी आया कर भाई, चल जल्दी आ, निकल जाओ, उधर जाओ, आगे जाओ, हवा में दो एक एक जगह खाली, पीछे से घूम के आ, उधर एक एक जगह खाली, जल्दी क्यों ना होती, यहाँ तक की कंडीशन क्लियर है, देखो रिपीट हो जाए फटाफट, फिर हम आपको आगे क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो सबसे पहले 0 डिग्री या 360 डिग्री कोण बनने की स्थितियां सामने लिखी हुई है, देख देख के भी याद कर सकते हैं। सबसे पहला दोनों एक दूसरे के ऊपर, दूसरी कंडीशन दोनों एक ही सामने, तीसरी कंडीशन दोनों के बीच संपात की स्थिति, चौथा पॉइंट दोनों आच्छादन की स्थिति में हो। आगे आता है दूसरा कोण 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या क्या कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत, सरल रेखा या सीधी रेखा परंतु संपाति में हो। तीसरा पॉइंट सरल कोण की स्थिति, क्या हुआ, सी मिली जगह, अरे इधर आ मेरे भाई, अरे मेरे प्रिय इधर आ, छोटा भाई है,
आगे 90 डिग्री या 270 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का कोण को कौन सी कंडीशन में कहते हैं? संभव। दूसरा पॉइंट है लंबवत स्थिति में हो। फटाफट इनको क्या कर दीजिएगा कॉपी में नोट का।